Welcome, good morning, all dear friends and student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. जैसा कि देख रहे हैं आप लोग के कमेंट से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन ये वीडियो पहले बना चुके हैं, लेकिन आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आखिर हजारीबाग से ये जो सिविल कोर्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है तो ज्वाइनिंग पर आप एक वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो ज्वाइनिंग पर आपको क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से हम ये पीडीएफ को हम डाउनलोड किए हुए हैं, और ये देख रहे हैं आपका ऑर्डर नंबर यहाँ दिया है और ये डेट भी दिया है 9 जनवरी 2024 को रिजल्ट आउट हो चुका है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये आपका डिक्लेयर हो चुका है फाइनल रिजल्ट। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्यून, ड्राइवर, दफ्तरी, माली एंड स्वीपर, यानी ये सभी पद के लिए, ये सभी पोस्ट के लिए ये डिक्लेयर हो चुका है, रिजल्ट घोषित कर दिया गया है आपका। और यहाँ से यदि बात करें तो ये देख रहे हैं आपके पास एडवर्टाइज नंबर भी दी हुई है, पब्लिश बाय सिविल कोर्ट हजारीबाग से ये पब्लिश की गई है। और यहाँ पर साफ सुथरा लिखा हुआ है कि कौन कौन से कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है, तो ध्यान से आप अपने नाम को यहाँ अच्छी तरह देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ से दी हुई है। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट भी दोस्तों बनाया हुआ है, तो फाइनल लिस्ट में यहाँ पर नाम को देख रहे हैं, और ये देखें अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो ये सारे को नाम देखें, चंदन कुमार, हरे राम कुमार, विजय कुमार, राजेश, तो इस तरह से नाम को देख रहे हैं, विकास कुमार नाम है। और यहाँ से यदि देखें और सब कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जनरल कैटेगरी से दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम यदि बात को करें कि आखिर कौन कौन कैंडिडेट का ज्वाइनिंग कब होगा, कैसा होगा या हो चुका है, तो आप हम यहाँ पर देखें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो यहाँ पर नाम को देख रहे हैं, और ये फिर लो हियरिंग से रिलेटेड हैं। अब यहाँ से यदि हम बात करूँ तो लिस्ट ऑफ प्रोविजनल वेट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, यानी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनरिजर्व में हैं, तो उनका वेटिंग लिस्ट में ऐसे कैंडिडेट का नाम दे दिया गया है, तो इसको प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा कब करेगा, क्या ये सब कैंडिडेट का पुनः क्या नाम आएगा कि फाइनल लिस्ट में, क्या ये जॉब कर पाएंगे, क्या इसका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द सिव यानी 5 पोस्ट प्यून के लिए बैकवर्ड क्लासेस 2 से यहाँ आपका सिलेक्शन किया गया है, तो 5 कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दी हुई है। और इसमें से देखें पी आई डिसेबिलिटी कैंडिडेट से हैं, और यहाँ पर लिस्ट प्रोविजनलिटी में यहाँ पर दिया हुआ है बैकवर्ड क्लास 2 से ये कैंडिडेट है सुरेश कुमार। अगर यहाँ से दोस्तों बात करूँ तो लिस्ट ऑफ प्रोविजनलिटी है इसमें, तो यहाँ पर देखें कितने कैंडिडेट, 23 कैंडिडेट का यहाँ प्यून के पोस्ट पर सेलेक्ट किया गया, ये शेड्यूल कास्ट SC से हैं दोस्तों, और यहाँ पर सबका नाम दिया हुआ है, तो नाम को अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपको कहीं देखने में असुविधा हो रही हो, तो चलिए अच्छी तरह से आपको दिखा दूँ, तो ये रहा, अब अच्छी तरह से आप अपना नाम को देख सकते हैं, रोल नंबर को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट में ऐसे कैंडिडेट का नाम दे दिया है जो कि SC कैटेगरी से आते हैं, और ये आपका है लिस्ट में देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, ड्राइवर के पोस्ट पर ये कैंडिडेट 3 का सिलेक्शन किया गया है, जो कि यहाँ पर सिलेक्टेड में नाम दी हुई है, जो कि प्रोविजनल सेलेक्टेड कर चुके हैं। अब यहाँ से यदि दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट में ऐसे कैंडिडेट का भी नाम है अरुण कुमार, और यहाँ से देखें ड्राइवर के पद में शेड्यूल कास्ट में दिया है नीतीश कुमार पासवान। अब यहाँ लिस्ट में प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में दिया है नाम अजय कुमार पासवान, और ये सभी क्या है SC कैटेगरी से हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों बात करूँ तो लिस्ट ऑफ प्रोविजनलिटी यहाँ पर दिया है दफ्तरी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से है दीपक कुमार मोहम्मद कैफ, और यहाँ पर अनरिजर्व में दफ्तरी में है रोहित कुमार। और यहाँ से देखें तो यहाँ भी 1 कैटेगरी से आपका है, ये भी नाम दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको तो ये है कि इसका ज्वाइनिंग कब कैसे क्या होगा, तो दोस्तों आपको बता दूं ऐसे कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में नाम दिए हुए हैं, तो उनके लिए आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिए साफ लिखा है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं लिस्ट है, और यहाँ पर देखिए एक एक करके आपको समझा देता हूँ, यहाँ 1, 2, 3, 4 पॉइंट को दिया हुआ है, तो इनका मतलब क्या होता है, कहता है कि नियुक्ति पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यहाँ क्या कहता है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आर बीइंग सेंड स्पीड पोस्ट, यानी नियुक्ति पत्र आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जा रहे हैं, हालांकि नियुक्ति व्यक्ति अपना नियुक्ति पत्र व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर सिविल कोर्ट हजारीबाग के कार्यालय से, आपका यहाँ डेट दिया हुआ है और यहाँ टाइम भी दिया है, तो इस डेट में आकर आप प्राप्त कर सकते हैं,
ये कहा गया है। किसी भी चयनित उम्मीदवार को शामिल ना होने से बने रिक्ति प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार की सूची से भरा जाएगा। यानी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका लिस्ट में नाम है, अगर वो नहीं आते हैं तो उस जगह आपका वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उसको वहाँ पर नाम दे दिया जाएगा और उसको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट की यहाँ पर यदि बात करें तो इसका कहता है कि प्रतीक्षा सूची पैनल का जीवन काल इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष का होगा। यानी एक वर्ष का ये आपका वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा जिसका जिसका वेटिंग लिस्ट में है। और नियुक्त किए गए व्यक्तियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता अंतिम योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ये आप में इसमें से कर दिया गया है। तो घबराने की कोई बात नहीं, जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड किए हुए हैं उसका स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर आपके होम घर तक पहुँचा जाएगा डाक के माध्यम से। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, इंतज़ार करें, बहुत जल्द आपके घरों में आपके स्पीड पोस्ट डाक पहुंच जाएंगे आपके ज्वाइनिंग लेटर के माध्यम से। तो दोस्तों अगर किसी तरह कोई क्वेरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से कॉल कर सकते हैं, वहां से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह की असुविधा होती हो तो नंबर वहां पर दे दिए हैं। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।